हेलो गाइस, वी आर बैक। आपके सामने फिर हम हाजिर हैं। तो आज हम प्रिएक्शन देने जा रहे हैं। पुष्पा का छोटा सा ग्लिम्स आया, ग्लिम्स या तो आप इसको टीजर कह लें, क्योंकि भाई 3 मिनट का है और टीजर तो कहीं लिखा नहीं है, ये 3 मिनट का सिर्फ एक झलक है। तो आज इस पर रिएक्शन करने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं। और व्लॉग भी आएंगे हमारे, लेकिन क्योंकि थोड़ा मसरूफियात थी तो व्लॉग नहीं आ सके। व्लॉग भी हमारे इंशाल्लाह आएंगे, कल परसों व्लॉग भी आपको देखने को मिलेगा। तो अभी हम इस पर रिएक्शन देते हैं, तो आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो। गोलियों से घायल पुष्पा हुआ तिरुपति जेल से फरार। इसी कोशिश में पुलिस ने पुष्पा पर बरसाई गोलियां। पता चला है कि पुष्पा गंभीर रूप से जख्मी हुआ है। शेषाचलम के जंगलों में पुष्पा को ढूंढने के लिए पुलिस ने एक स्पेशल यूनिट डिप्लॉय की है। भाभरापेट की पहाड़ियों पर पुलिस ने पुष्पा के कुछ कपड़े बरामद किए। खून से लथपथ शर्ट पर मिले 8 गोलियों के निशान। सर्च टीम ने ढूंढ निकाली। पुलिस के हाथों पुष्पा की हत्या की अफवाहों की वजह से आप देख सकते हैं चित्तूर और तिरुपति के कई इलाकों में दंगे शुरू हो गए। इस वक्त अनामया सर्कल पर मौजूद है और आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह पुष्पा के समर्थक हजारों की तादाद में सड़क पर उतर आए हैं। 8 गोलियां लगी है। किसी भी इंसान का बच पाना नामुमकिन है। मर तो नहीं सकता पुष्पा भाई। एक साजिश थी, बस यही देख रहे हैं कि पुष्पा पैसे किस तरह कमाता था। पर तुम्हारा माहिती है का पुष्पा ने उन पैसों का क्या किया? मेरी बेटी का हार्ट ऑपरेशन हुआ, उसका पैसा पुष्पा ने ही दिया। बखत आई, अब ये ठीक है। बेटी की शादी पुष्पा ने ही करवाई। पता है पुष्पा ने ही हमारे लिए घर बनवाए। अरे वो हम गरीबों को खाना खिलाता था। पुष्पा गए भाई, पुष्पा। के बाद भी दंगे जारी हैं। कई इलाकों में अभी भी सेक्शन 144 लागू है। कुछ लोगों का मानना है कि पुष्पा अब जिंदा नहीं है। अफवाह ये भी है कि वो जापान, मलेशिया या चाइना में कहीं हो सकता है। अरे भाई साहब, भाई क्या बताऊं आपको, देता हूं मैं रिएक्शन पहले, वीडियो पूरी कर ले। पकड़ क्या पुलिस हमें गुमराह कर रही है? आखिर पुष्पा है कहां? ये अल्लू अर्जुन, जंगलों में लगाए गए वाइल्ड लाइफ सर्वेलेंस कैमरा का वीडियो हमारे चैनल ने अभी प्राप्त किया है। ये कैमरा जो शेरों को मॉनिटर करते हैं, उनकी फुटेज अब आप हमारे सिटी केबल स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो उठा के देखेगा भी शायद पुष्पा। आ गया। कौन है रे? ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। अगर जंगल में कोई जानवर 2 कदम पीछे ले तो समझो शेर आया है, लेकिन जब शेर ही 2 कदम पीछे ले तो समझो पुष्पा आया है। पुष्पा को कुछ नहीं हुआ, पुष्पा जिंदा है ना। रोल पुष्पा का। अरे लोगों क्या मस्त है यार, लोगों। यार ये था पुष्पा का रिएक्शन, इस पे थोड़ी बात कर लेते हैं हम लोग। क्यों नहीं? हाँ तो गाइस, मैंने देखा पुष्पा का टीजर या ग्लिम्स कह लो, 3 मिनट का था भाई, टीजर ही लग रहा था, बल्कि ट्रेलर लग रहा था। तो यार हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अच्छा था, मुझे अच्छा लगा, क्योंकि पुष्पा 1 जो थी मुझे उसका डायरेक्शन बहुत पसंद आया था, खास करके जो फॉरेस्ट वाला सीन था वो मुझे बहुत अच्छा लगा था और मजा दिया था उस फिल्म ने। जो भी था मजा दिया, पैसा वसूल, ठीक है। हाँ थोड़ी KGF से थोड़ी सिमिलर थी कहानी और बहुत सादी स्टोरी थी, लेकिन मजा दिया। उसकी जो डायलॉग डिलीवरी थी प्लस अल्लू अर्जुन की जो एक्टिंग थी, तो मजा दिया भाई। अगर आपने भी पुष्पा 1 नहीं देखी है तो मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा कि आप जाके देखें, क्योंकि आपको मजा देगी और भरपूर मजा देगी। तो बात कर लेते हैं पुष्पा 2 की। तो पुष्पा 2 में कहानी शुरू होती है डायरेक्ट तिरुपति जेल से, पुष्पा फरार।
तो यहाँ तक के यूं भी हो सकता है कि ये स्मार्ट मार्केटिंग लेवल हो के इन लोगों ने ये जो ग्लिम्स डाला है ये उस फिल्म का हिस्सा हो ही ना, ये बस आप लोगों को याद दिलाने के लिए था भाई पुष्पा फिर से आ रहा है, क्योंकि पुष्पा को साल हो चुका है, पुष्पा 2 लोगों के जेहन से निकल रहा था कि पुष्पा कोई फिल्म है भी या नहीं है, तो आपको याद दिलाने के लिए ये इनकी एक मार्केटिंग लेवल या एक चाल हो सकती है कि मतलब लोगों को खींचें कि आपके जेहनों में वापस लाया जाए कि भाई पुष्पा फिर आ रहा है, ठीक है। तो हो सकता है फिल्म का हिस्सा हो भी और हो सकता है फिल्म का हिस्सा ना भी हो। पुष्पा 2 से जो मेरी उम्मीदें हैं वो पहली वाली से काफी ज्यादा है, क्योंकि जो शेखावत सर थे वो इसमें नहीं दिखाया, उनका रोल बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, उनको 2 में दिखाया जाएगा, अब तक ग्लिम्स में तो नहीं दिखाया। और पुष्पा का जो इस बार का जो जा रहा है वो बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल पे जा रहा है, जिस तरह के आपको बताया कि चाइना वगैरह में पुष्पा हो सकता है, तो मजा बढ़ने वाला है। और मैं काफी इंटरेस्टेड हूँ पुष्पा 2 के लिए, खास करके ट्रेलर के लिए, क्योंकि ट्रेलर से पहले हम कुछ नहीं कह सकते कि क्या होने वाला है, ठीक है। तो पुष्पा जो है जेल से फरार, भाई ये फिल्म का हिस्सा हो भी सकता है, और मैंने जैसे आपको कहा कि ये नहीं भी हो सकता। और इसकी मुझे एक और बात अच्छी लगी है कि क्या मस्त काटा है, क्या मस्त काटा है भाई पब्लिक का, मेरा मतलब पब्लिक का नहीं, क्या बॉयज रिलैक्स रिलैक्स, क्या मस्त काटा है टीजर। और इसका जो लोगो था, खास करके जो लोगो आप देखें, बड़ा ही मतलब मुझे तो काफी प्यारा लगा। लोगों की वैसे कोई बात नहीं करता, क्योंकि हर कोई इग्नोर करता है लोगों को, लोगो मुझे काफी प्यारा लगा, जिस तरह से उस पे जड़ी बूटियां थी और लकड़ी, और साइड में आप देखें कि गोल्ड की वो भी आ रही थी ना चमक वगैरह, तो मेरे को लोगो बड़ा अच्छा लगा। और अच्छी बात है क्योंकि फिल्म मेकर्स मतलब लोगों पे भी ध्यान दे रहे हैं आजकल, अच्छा लगा, मजा आया। तो व्लॉग भी आने वाला है मेरा, आप बोलेंगे व्लॉग नहीं आ रहा, रिएक्शन आ रहा है, व्लॉग भी मेरा आएगा इंशाल्लाह, कल या परसों मेरा व्लॉग भी आएगा, वो भी आप देखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लाइक करें, सब्सक्राइब करें भाई, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।